एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था पिछले वर्ष कोरोना के टाइम में कि नई संसद का नामकरण डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। अब मुझे आश्चर्य है इस बात का कि ऐसे राष्ट्रपति का अभिनंदन हुआ रिटायरमेंट के बाद जिसने हमारे हितों की सौदेबाजी करी। 5 साल तक यह आदमी कुछ नहीं बोला दलितों के लिए और उस आदमी को रिटायरमेंट के बाद बड़ा अभिनंदन कराया गया है, सोच समझ के कराया गया है क्योंकि वो गूंगा और बहरा था और उस आदमी का सम्मान होता है विज्ञान भवन। ये पागलों का समाज है, हमारे पढ़े लिखे लोग गए वहां पर, हमारे पढ़े लिखो ने किया है। ये गद्दार हैं समाज के, ये व्यक्तिगत अपने स्वार्थी है। ऐसे आदमी को तो लात मारना चाहिए था, एक आदमी को मिलने नहीं जाना। आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करने का इरादा है, उस पर आप लोग सोच लीजिए कि जो नई संसद भवन है इसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। इस पर अभी सब लोग आ जाएंगे तो चर्चा इस पे हो। हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था पिछले वर्ष कोरोना के टाइम में कि नई संसद का नामकरण डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए और जब तक इसको औपचारिक रूप से हम लोग नहीं एडॉप्ट करेंगे तब तक इसका नामकरण भी हो जाएगा, बिल्डिंग में प्रवेश भी कर लेंगे वो लोग। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज एक बड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा जिस पर सर्वसम्मति से इस पर विचार किया जाएगा और इसके लिए पूरे देश के अंदर संघर्ष किया जाना चाहिए कि नई संसद भवन का नाम डॉक्टर अम्बेडकर संसद भवन होना चाहिए। ये विषय है और जो हमारे अतिथि आए हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पौत्र आए हैं, असली पौत्र हैं ये, कोई नकली पौत्र बन करके घूम रहे हैं। और हमारे यहां झूठ बहुत चलता है, अगर यहां से आए कोई कह दे कि ईवन में जाके हम बात उठा देंगे तो लोग बड़े खुश होते हैं, जबकि ईवन से बाल तक नहीं उखड़ सकता। ईवन को कोई राज्य कोई देश नहीं मानता। पहले कुछ हद तक था यूनाइटेड नेशन की बात के ऊपर असर पड़ता था, लेकिन हर कंट्री की अपना सॉवरन पावर होती है, किसी भी कोई देश ईवन की बात नहीं मानता है और भारत जैसे ईवन की बात तो मानने का बात ही नहीं है। जब 2001 में हमने ईवन कॉन्फ्रेंस दरबन में किया, उसमें मुद्दा जब उठा था कि अश्वेत लोगों को 200-300 पीढ़ियों का भरपाई गोरों को करना है, अमेरिका नाराज हुआ और अमेरिका ने यहां तक धमका दिया कि ईवन को बंद कर देंगे हम अपने यहां से ऑफिस। तो ईवन के ऑफिस को ही बंद करने को धमकी दे दिया, तब से ईवन कॉन्फ्रेंस हुई ही नहीं। तो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट कमीशन का कितना वैल्यू है इसी से आप जान सकते हैं। लेकिन यहां फर्जी लोग आकर के ओ हम ईवन में चले जाएंगे, ये अभी तक बिक रहा है, ईवन में चले जाएंगे अभी तक बिक रहा है। तो मैं भी चूंकि वास्तव में ह्यूमन राइट ईवन में मैं काफी एक्टिव रहा हूं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ये कभी मैंने खोला भी नहीं। कई बार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को रिप्रेजेंट किया और
अमेरिका की जो कैपिटल है कैपिटल हिल बिल्डिंग में कांग्रेसनल हियरिंग में प्रस्तुत हुआ, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में भी कई बार मौका लगा बोलने का, बोल के चले जाए लेकिन उसका असर यहां नहीं पड़ रहा कुछ, और वो कोई मजबूर नहीं कर सकते वो सिलसिले में वह बात, कोई यहां आके कहे 24 में उखाड़ फेंकूंगा तो कहना उसी को लोग बड़ा वो मानते हैं, अरे क्या बोला है। लेकिन हम जो बोलते हैं व्यवहारिक बोलते हैं। हमारे एसबीआई के साथी ने भी बताया जो भी हमने कहा किया है उतना ही करते उतना ही टेकअप करते हैं। अब यूनियन की लड़ाई तो हम नहीं लड़ सकते ना, पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं जल्दी लड़ना। हां हम चर्चा कर सकते हैं और ये काम पार्टियों का है, हमारा काम नहीं है। हम इतना ही कर सके कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसमें अभी तक आरक्षण शब्द नहीं है, उसकी लड़ाई लड़ सके। हम इतना ही कर सके कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेचने के खिलाफ खड़े हो सके, यही कर सके। अब मुझे आश्चर्य है इस बात का कि ऐसे राष्ट्रपति का अभिनंदन हुआ रिटायरमेंट के बाद जिसने हमारे हितों की सौदेबाजी करी। 5 साल तक यह आदमी कुछ नहीं बोला दलितों के लिए और उस आदमी को रिटायरमेंट के बाद बड़ा अभिनंदन कराया गया है, सोच समझ के कराया गया है क्योंकि वो गूंगा और बहरा था। बीस मई 2014 को यही रामनाथ कोविंद जी बायोडाटा लेके मेरे पास आए और उसके गवाह भी हैं, और 10 बार मैं बोल चुका हूं, मीडिया ने भी कहा था राष्ट्रपति के खिलाफ एक बोल, हमका हमारी गर्दन काटी जाए, राष्ट्रपति देकर के तो हमारा मुंह बंद करा दिया जाता है, अरे आरक्षण की क्या जरूरत है, राष्ट्रपति तो बना दिया। ये धरातल की सच्चाई। अभी कोई यही बात कर रहा था कि अब आदिवासियों को यह बोला जा रहा अरे मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया गया अब आदिवासियों को आरक्षण क्यों चाहिए। यही रामनाथ कोविंद जी मेरे पास बायोडाटा लेके आए कि मेरा भी कुछ सिफारिश बीजेपी में कर दी। मैंने हालांकि कुछ सिफारिश किया, मेरे सिफारिश की वजह से नहीं हुआ, 1 साल के बाद गवर्नर हुए उसके बाद राष्ट्रपति हुए। तो मैं कई बार बोल चुका हूं ये ऐसे गूंगे बहरे को बैठा करके हमारा सत्यानाश किया, इसी दौर में सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हुआ है और उस आदमी का सम्मान होता है विज्ञान भवन, ये पागलों का समाज है, हमारे पढ़े लिखे लोग गए वहां पर, हमारे पढ़े लिखो ने किया है, ये गद्दार है समाज के, ये व्यक्तिगत अपने स्वार्थी है, ऐसे आदमी को तो लात मारना चाहिए था, एक आदमी को मिलने नहीं जाता। और मैं रिकॉर्ड में कहा और कई बार रिकॉर्ड में कह चुका हूं, ये नहीं कि मैं कहूं तो बात रिकॉर्डेड नहीं होती, पूरे देश में रिकॉर्डेड होती, आप तो जानते लग जाते हैं मेरे पीछे। मैं चूंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं इसलिए मेरी बात को मैं कई बार कहा। आप ये बताइए समाज के बारे में मैं डॉक्टर रतन लाल जी कह रहे थे, इसको मैं जागृत समाज को हूं, पढ़े लिखे लोगों ने किया, तो इसको भावुक कौन कौन कहता है जागृत समाज, जो जैसा बोलो वहीं पर उधर ही चले जाते हैं। इतना दिल मेरा दुखी हुआ होते कि इनाम दिया जा रहा और जान करके कराया जा रहा है ताकि वोट का वोट बना रहे, दिखाते रहे, देखो सेवानिवृत्त आदमी को भी सम्मान हम देते जा रहे हैं और हमें लूटते जा रहे हैं, ये हालत है। 48
सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर नहीं है, इस आदमी ने जुबान नहीं खोला, जबकि वाइस चांसलर की नियुक्ति में राष्ट्रपति की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसका इनाम दिया जा रहा है, तो स्वागत किया गया, कंपनियां बेची जा रही, सीईएल साहिबाबाद में 2000 करोड़ की कंपनी है, 200 करोड़ में सौदा हुआ, वो भी ऐसे आदमी ने खरीदा जो 10 करोड़ का वर्थ का था फर्नीचर वाला, वो भी बैंक से लोन लेकर। तो कौन कहता है कि समाज संघर्ष करने वालों का इज्जत देता है, यहां तो निकम्मों को इज्जत मिल रही, ये बात आप फैलाइए। कौन कहता है रतन लाल जी को, रविकांत जी को इज्जत मिल रही, तो ये कैसा समाज है भाई? ऐसे आदमी का स्वागत करना चाहिए, जो मुंह नहीं खोला 5 साल तक, मैंने मिलना बंद कर दिया, कई बार कहा आइए आइए, हमका मिलना बंद कर दिया, हमका इन्हीं को तो बैठा कि हमें लूटा जा रहा, कम से कम खुला हुआ दुश्मन तो ठीक है, लेकिन अपना दुश्मन, ये स्थिति है। एक बार भी नहीं बोला नारायण जी के मुकाबले में कोई देश का राष्ट्रपति कभी हुआ ही नहीं, वाजपेयी सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार गिराना चाहती थी, बिल वापस कर दिया था, नहीं गिरने दिया, बिहार की सरकार गिराना चाहती थी, नहीं गिरने दिया, फाइल जब गई जजेज की नियुक्ति का तो कहा इसमें दलित कहां है, फिर फाइल लौटा है उसी में केजी बाला कृष्णन चीफ जस्टिस बन पाए, और वो नालायक चीफ जस्टिस किया कुछ नहीं, बड़बड़ाया, 3.5 साल में कुछ भी कर सकता था, उस नालायक ने कुछ नहीं किया, लेकिन बनवा तो दिया उन्होंने। ये 5 आरक्षण विरोधी आदेशों के लिए नारायण जी ने बड़ी ताकत लगाई थी, मैं जानता हूं। अरे पूजा करो तो ऐसे आदमी की पूजा करो जो पूजनीय है। नारायण जी अपना स्पीच खुद लिखते थे, सरकार की स्पीच को नहीं पढ़ते थे, मालूम है आपको, कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं हुआ जो अपनी स्पीच पढ़ता हो, सरकारी स्पीच आता उसी पढ़ते, वो अपने आप लिखते थे। गवर्नर्स की कमेटी नारायण जी बनाई थी जमीन के बंटवारों को लेकर, कि जमीन बराबर देश में जमीन कितनी है। तो आज कहां है समाज, ये आपके चिंतन के लिए छोड़ा जा रहा है, ताकि कम से कम जो चाटुकार हैं, जो गद्दार हैं, इनको सम्मान तो न मिले, ये हालत। तो क्योंकि भोजन की व्यवस्था टूट जाने की वजह से औपचारिक रूप से कार्यक्रम अभी नहीं शुरू हुआ, लेकिन हाल तो भरा ही है, ओम सुधा जी भी परेशान है, और हमारे गेस्ट भी अभी बैठे हुए हैं, गेस्ट को सुनना है, उनका अभिनंदन करना है, पूरे देश से लोग आए तो जाएंगे भी नहीं, और दिल्ली वाले तो खैर जल्दी निकल भी जाते हैं, तो यह है वस्तुगत पर वस्तुपद, ये जो जातिवाद हमारे अंदर है, मैं सही बता रहा हूं, सबसे ज्यादा नुकसान वही कर रहा है। पासवान है तो इनकी जाति रतनलाल जी खोजने लगेगा, और खटीक है तो उसका जाति खोजने लगेगा, ये इतना ज्यादा डीप रूटेड हो गया। भंते सुमित रतन जी के दर्द को मैं समझता हूं, एक ऐसा कोई मांग नहीं हुआ भाई, बुद्धिज्म में क्या होता है, कंठी माला जपने के लिए बुद्धिज्म नहीं, लोगों के दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए। गाजीपुर बॉर्डर पर इन्होंने पंडाल लगा करके राकेश टिकैत के साथ में लगातार लड़ते रहे, यही एक थे, और 10-12 भंते हमेशा रहते थे, इन्होंने मैं जमीन की लड़ाई लगी, मुझे कोई नहीं भंते दिखा, ये बहुत बड़ा काम। अगर भगवान गौतम बुद्ध के
रास्ते पर अगर इस आंदोलन में चला है तो बनते बुद्ध रतन जी ये नहीं कि हमारे सहयोगी हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सच्चाई है। दुख के निवारण में जो साथ दिया, जनता की समस्याओं को साथ दिया, ये तो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। मंगल हो, जय भीम, नमो बुद्धाय के नाम पर बहुत सारे लोग हैं। ओ बौद्ध धर्म नहीं, ये है बौद्ध धर्म जो इन्होंने किया। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में 9 अक्टूबर को भी बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, और मौर्या जी हम लोग मौर्या जी का तो कहा कि 200 करोड़ इकट्ठा करना चाहिए, तो भैया मैं तो कम से कम 1,50,00,000 इकट्ठा हो जाए, क्योंकि जो बोलता हूं तो मैं संभल के बोलता हूं, कभी मैं बिना संभले नहीं बोला हूं, कभी नहीं बोला। हमने यहां हाल में रखा, कितनी कुवत है, रामलीला मैदान में जब रखता हूं तो भर जाता है। 22 बार रामलीला मैदान को हमने भरा, 22 बार। सुप्रीम कोर्ट को किसी घेरा व्यवहारिक रूप से किया, जो भी काम व्यवहारिक से, क्योंकि जिंदगी कैसे बदलती है, जिंदगी इससे बदलती है, धर्मांतरण से, बौद्ध धर्म से, नौकरी से जिंदगी बदलती है, सब तो से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी प्रभावित नहीं हो। इस देश में महानता का परिभाषा गलत, दुनिया में महानता की परिभाषा में वो आते हैं जो लोगों की जिंदगियां बदलते हैं, यहां जिंदगी बदले या ना बदले पाखंडवादी समाज है वही महान हो जाता है।